नमस्कार आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं 60 वर्षीय महिला की मौत का मामला सामने आया है जिसमें परिजनों ने आरोप लगाया कि महिला की हत्या की गई है और पुलिस मामले को दबाने के प्रयास कर रही है जिसको लेकर परिजनों द्वारा दो दिन से महिला का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है जब पुलिस टीम परिजनों को समझाने पहुंची तो ग्रामीण और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई और कई घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा बीच सड़क पर चलता रहा पुलिस प्रशासन और थाना प्रभारी संदीप दीक्षित लगातार परिजनों को समझाते रहे कि कार्रवाई की जा रही है बहुत समझाइश के बाद और निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिए जाने के बाद परिजनों के द्वारा शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है घटना के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पवई सौरभ रत्नाकर से बात की गई उन्होंने बताया 19 नवंबर को सिमरिया थाना अंतर्गत एक महिला की मौत का मामला सामने आया था अस्पताल में महिला की मौत का कारण करंट होना बताया गया लेकिन परिजनों को हत्या का शक था इसके बाद प्रशासन ने निष्पक्ष कार्रवाई की बात के बाद महिला का अंतिम संस्कार किया जा रहा है